हेलो दोस्तों, मैं गौरव। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स किस तरह बनाया जाए, वो भी नीम के पत्तों के साथ। तो दोस्तों, इस तरह की कुछ डालियां आपको तोड़कर लानी है अपने पास में कहीं पर भी बड़े बड़े ट्री से, और जब भी आप लेकर आएँ अपने डालियां तो आप इस तरह से वॉश जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि उस पर होती है बहुत सारी मिट्टी जो हो सकता है हमारा काम ख़राब कर सके, इसलिए आप वॉश ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिएगा और रिज़ल्ट के साथ हम आपको बताएंगे इसके बेनिफिट्स। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें द वन पेज यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी पाएं। दोस्तों, इस तरह का बकेट लीजिए और उसमें सारी पत्तियां आप वन बाय वन इस तरह से आप ब्रेक करिए, और ब्राउन पत्तियां मत लीजिएगा क्योंकि उनमें वो गुण ख़त्म हो चुके होते हैं। बस आप इस तरह से अपने सारी पत्तियों को यूज़ करिए। जिस तरह से ये अभी भी हल्की ग्रीन है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर फुल्ली ब्राउन हो जाती है इस तरह की ब्राउन पत्तियाँ तो इन्हें यूज़ मत करिए। तो चलिए हम सारा इसमें डाल देते हैं। दोस्तों, सारी नीम की पत्तियाँ हमने इस छोटे से बकेट में स्टोर कर दिया है। अब दोस्तों, गर्म पानी का समय आ गया है। अब आप गर्म पानी लीजिए और इसमें डाल दीजिए। आप देखें किस तरह से पानी का कलर अभी वाइट है, बस ये थोड़ी ही देर में ग्रीन हो जाएगा। दोस्तों, करीब आधा पौना घंटा गुजर चुका है हमारे नीम के पेस्टिसाइड, होममेड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का। इसमें दोस्तों अभी तक कलर तो नहीं आया है, बट आप जो खुशबू महसूस कर सकते हैं कि वाटर में डिजॉल्व हो चुके हैं हमारे नीम पे पत्तों की काफ़ी सारी पेस्टिसाइड्स वाले गुण। चलिए सारी लीव्स को इकट्ठी करते हैं और इनको बॉईल कर देते हैं, और लीव्स के अंदर जो भी पेस्टिसाइड्स वाले गुण हैं वो हम निकाल देते हैं। दोस्तों, 5 मिनट हो चुके हैं और आप देखें अब कलर ग्रीन कलर आने लग गया है, बट अब मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा ग्रीन कलर आएगा। तो चलिए अब इसको सेपरेट पॉट में ले लेते हैं, सेपरेट बकेट में ले लेते हैं। दोस्तों, हमारा होममेड पेस्टिसाइड रेडी हो चुका है। आप देखें किस तरह से इसका डार्क ग्रीन कलर आ चुका है। तो दोस्तों, हमारा जो नीम पेस्टिसाइड है उसको 1 घंटा हो चुका है और वो ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब इसको बॉटल में भर देते हैं। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाना दोस्तों इस तरह से आप बनाइएगा, और ये बहुत आसान होता है दोस्तों, और ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि नीम का प्लांट है। तो नीम का प्लांट का मतलब आपको पता ही होगा कि बहुत ही कड़वा होता है वो, और आप इस तरह की एक बॉटल यूज़ करिए, नॉर्मल बॉटल है हमारी। अब आप इसमें अच्छे से भर दीजिए, ये पूरा भर दीजिए जितना भी हमारे पास अवेलेबल है। दोस्तों, ये हमारा हिबिस्कस का पौधा है जिस पर काफ़ी सारे इंसेक्ट्स ने अटैक कर रखा है। आपको पता ही होगा अभी बोलिया मच्छर का सीजन चल रहा है, मतलब कि बोलिया मच्छर छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो सारे प्लांट्स पर अटैक करते हैं, उनका फ्रूट्स उनका जूस पीने लग जाते हैं, लीव्स का, फ्लावर का, या कोई भी फल हो उस पर अटैक कर लेते हैं। आप देखें काफ़ी सारे यहाँ पर है। तो चलिए स्प्रे कर देते हैं हमारा होममेड पेस्टिसाइड जो कि बना दिया गया है नीम से। और दोस्तों, ये आप पूरे प्लांट पर दीजिएगा, और इसका रिजल्ट दोस्तों हम 1 दिन बाद या 2 दिन बाद चेक करेंगे किस तरह से हमारा ये पेस्टिसाइड काम करता है या नहीं करता है। और हम दोस्तों ये किसी भी प्लांट पर लगा सकते हैं, बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काफ़ी अच्छा है। चलिए एक हिबिस्कस पे और लगा देते हैं, और फिर 1 दिन बाद अपडेट देखेंगे किस तरह से ये इंसेक्ट जाते हैं या यहीं रुक जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा एक और हिबिस्कस का प्लांट है, यहाँ पर काफ़ी सारा अटैक हो चुका है, यहाँ पर काफ़ी सारा अटैक हो चुका है, और एक छोटा सा कैटरपिलर भी हमें नज़र आ गया है दोस्तों, यहाँ पर वो कैटरपिलर। तो हम सब जगह स्प्रे करेंगे, हमारे इस छोटे से बर्ड के ऊपर भी दोस्तों अटैक हो रहा है, तो हम हमारा पेस्टिसाइड्स यहाँ स्प्रे करेंगे जो हमने खुद ने बनाया है, ऑर्गेनिक नीम पेस्टिसाइड। चलिए स्प्रे डाल देते हैं, और ये स्प्रे दोस्तों पूरे प्लांट पर डालिएगा, क्योंकि अगर हम एक जगह से
स्प्रे करते हैं तो दूसरी जगह दोस्तों अटैक होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हर जगह पर आप स्प्रे करिए, पूरे प्लांट पर करेंगे तो प्लांट हैप्पी रहेगा। तो दोस्तों चलिए अब एक दिन बाद चेक करते हैं क्या रहता है हमारा रिजल्ट। दोस्तों एक दिन गुजर चुका है और हमारा हिबिस्कस आप देखें नीट एंड क्लीन हो चुका है। आप देखें हमारे पेस्टिसाइड ने बहुत अच्छा और बेहतरीन काम करा है। तो आप इसी तरह बनाइए अपने पेस्टिसाइड्स को, वो भी नीम के प्लांट से जो पूरा ऑर्गेनिक है और हाउस घर पे बना हुआ है। चलिए दूसरे प्लांट को देखते हैं। दोस्तों हमारे इस ब्रांच के ऊपर यहाँ पर काफ़ी सारे कीड़े थे जो अभी शायद एक दो गिनती के रह गए हैं, और एक यहाँ पर दोस्तों हमारी इस कली के ऊपर हमने स्प्रे करा था, आप देखें इस पर भी साफ हो चुके हैं दोस्तों। तो रिजल्ट हमारा क्लियर है और एक दिन में हमें रिजल्ट मिल गया है, तो काफ़ी बेटर तरीके से हमने काम किया है। और यहाँ पर भी एक कुछ कीड़े थे जो यहाँ पर भी जा चुके हैं। बस दोस्तों आप ये प्रोसेस 2 से 3 बार रिपीट करिए दिन में और आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा। तो बस दोस्तों आपको फिर से स्प्रे करना है अपना होममेड पेस्टिसाइड और आप इंसेक्ट फ्री हो जाएंगे। चलिए अब मैं दिखाता हूँ मेरे कुछ और ऑर्गेनिक प्लांट्स पर। दोस्तों ये हमारा छोटा सा बगीचा है, पालक मेथी मूली मिर्ची टमाटर धनिया आलू, और यहाँ पर भी धनिया उग रहे हैं, तो आप इन पर भी बहुत अच्छे से स्प्रे करिए तो कोई भी आपके पेस्ट वगैरह कीड़े मकोड़े इस पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि नीम का प्लांट होता है बहुत कड़वा इसलिए दोस्त। तो दोस्तों होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा और टमाटर के फ्लावर आने लगे हैं, सून एक और वीडियो आ जाएगा आपके लिए। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।